हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो ये रहा मेरा मेहंदी कुछ इस तरीके से, तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरी मेहंदी। A few moments later. तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना, गोभी को फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ मैं खीर के लिए चावल धो रही हूँ। बन रही है सब्जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और मुझे नहाना भी है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ कुछ चीज़ें बना लेती हूँ, फिर मैं नहाऊँगी। और साथ में मैं यहाँ पे खीर भी बना रही हूँ ऐसे चलाते हुए, क्योंकि थोड़ा खीर में टाइम लगता है बनाने में। तो मैं सोची कि थोड़ा पहले ही बना लूँ, क्योंकि फिर पूजा का समय हो जाएगा, नहाना धोना, फिर मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ। और फिर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मुझे लेना था पूजा का सामान, कुछ आया था कुछ रह गया था, तो वही लेने के लिए मैं चली गई थी। फिर मैं घर आई, नहाई, और नहा के उसके बाद मैं यहाँ पे कंघी वंघी कर रही थी, क्योंकि पूजा के लिए मैं लेट हो गई थी। अगर वही है ना, कितना भी जल्दी जल्दी करो लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और त्यौहार वाले दिन तो मतलब पता नहीं क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ बाकी ही रहता है। तो बस मैं यहाँ पे अपना कंघी वंघी करके और रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ा बहुत मेकअप। और मैं बैठ गई एक जगह आराम से और मैंने शुरू किया अपना मेकअप। क्या हो रहा है ना कि दो दिन से लाइट कट जा रही है दोपहर के टाइम पे, तो वैसे भी लाइट नहीं रहती है तो कुछ काम नहीं हो पाता है। और मतलब क्योंकि यहाँ पे तो वैसा है नहीं, लाइट रहे तभी सब कुछ मुमकिन। तो पता नहीं कहीं बगल में काम चल रहा है। और फ्रेंड्स, मैं जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाती हूँ वो फिंगर की हेल्प से लगाती हूँ। मैं ब्रश बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फिंगर से बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और मुझे बहुत इजी लगता है, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ करवा चौथ की पूजा कैसे होती है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये जो आईलाइनर है इसी से मैं काजल भी लगाती हूँ, क्योंकि काजल लगाओ तो बहुत जल्दी फैल जाता है और ये फैलता भी नहीं है और बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो जब से मुझे इसके बारे में पता चला तब से तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं मांग टीका पहन लूँ, क्योंकि वो मतलब अच्छा लग रहा था। इसी का मेरा जो मैंने नेकलेस पहना है तो इसी का वो सेट था, लेकिन मैंने वो नहीं पहना। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये माथा पट्टी ट्राई करनी चाहिए, तो मैंने इसे पहन लिया। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। मुझे तो ठीक ही लगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और उसके बाद मैंने ये रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली चूड़ी मुझे। तो बस आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और बस ये मेरा फाइनल लुक, मैंने तैयार होके और स्टाइल मारना शुरू कर दिया। ये देखिए, हाँ।
फ्रेंड्स, मैं तैयार होके आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे रखा है एक चौकी और उसके ऊपर रखा है माता कारवा का फोटो और उस और उनको मैंने एक लाल कपड़े से ऊपर एक मतलब एक वस्त्र के रूप में लाल कपड़ा रखा है ऊपर से। और यहाँ पे मैंने रखा है शंकर भगवान और माँ गौरा और बीच में गणेश भगवान बैठे हुए हैं, उनकी मूर्ति रखी हुई है। और मैंने नीचे चावल बिछा के यहाँ पे एक आशनी पे दो कारवा रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने दिए जलाए हुए हैं और मिठाई फल फूल जो भी है सब मैंने चढ़ाया हुआ है। दक्षिणा में मैंने पैसे रखे हैं और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं करवा चौथ की पूजा, मुझे ज़रूर बताइएगा। खीर बन गई है देखिए, और यहाँ पे मेरी गोभी आलू की सब्जी भी बनके तैयार है। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बन गई है गरम गरम पूड़ियाँ, देखिए कितनी फूली फूली मेरी पूड़ियाँ बन रही है। तो सारा खाना मेरा बन चुका है और मैं आ गई थी यहाँ छत पे चांद देखने। और इतनी तेज हवा चल रही थी यहाँ कि दिया तो जला ही नहीं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी दिया नहीं जला। तो बस मैंने ऐसे ही अपना चांद देखा और अपना व्रत खोला, तो कुछ इस तरीके से रहा, बहुत ही अच्छी तरीके से रहा मेरा करवा चौथ का व्रत। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, तो एक सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।